वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आपका हिंदी प्रेगनेंसी कॉर्नर में एक नई वीडियो के साथ, एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। उम्मीद है आपको हमारी और वीडियोस की तरह आज की ये वीडियो भी पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर आई हूँ जो हर महिला के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। जी हाँ, जैसे कि आप जानती हैं कि इनफर्टिलिटी का सबसे बड़ा कारण होता है इरेगुलर पीरियड्स। अगर आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं है तो आप इनफर्टाइल होंगी ही होंगी। कभी भी जब आप शादी करती हैं या फिर आप जब भी बच्चा कंसीव करना चाहती हैं तो अचानक से पता चलता है कि आप इनफर्टाइल हैं, आप बच्चा कंसीव नहीं कर पाती हैं। तो इनके पीछे सबसे बड़ा कारण माना जाता है आपके पीरियड्स रेगुलर ना होने का। महिलाओं का ये सवाल होता है कि हमें पता कैसे चले कि हमारे पीरियड्स रेगुलर नहीं है। वैसे तो ये बहुत ही सिंपल सी और नॉर्मल सी चीज़ है कि अगर आपको हर महीने सेम तारीख पे पीरियड्स नहीं होते हैं तो दैट मींस आपके पीरियड्स नॉर्मल नहीं हैं। लेकिन ये जरूरी भी नहीं होता है। कुछ और भी ऐसे साइन एंड सिम्टम्स हैं जो आपके लिए जानने बहुत ही जरूरी है, ताकि आप सही तरीके से एक्यूरेटली आप ये जान पाएं कि वाकया में आपके पीरियड्स बिल्कुल भी सही नहीं हैं और आपको अभी कुछ ना कुछ करना चाहिए। आपको चार सिम्टम एंड साइन ऐसे बताने जा रही हूँ जो आपको ये दर्शाएंगे, आपको बताएंगे, इंडिकेट करेंगे कि आपके पीरियड्स बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हैं। पीरियड्स आना सिर्फ गर्भवती होने के लिए ही जरूरी नहीं है। आप बच्चा कंसीव करना चाहती हैं या नहीं, आप माँ बनना चाहती हैं या नहीं, ये आपका पर्सनल डिसीजन है, आपका खुद का फैसला है। लेकिन अगर पीरियड्स इरेगुलर हैं तो महिला को और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं और इस वजह से आपके पीरियड्स नेचुरली सही तरीके से आना बहुत ही जरूरी है, ताकि आप फिजिकली फिट एंड फाइन रह सके। जो साइन है वो है पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द होना। अगर आपको पीरियड्स में बहुत ज़्यादा पेन का सामना करना पड़ रहा है तो ये सीधा शायद हो सकता है आपको ओवरी सिस्ट जैसी कोई प्रॉब्लम हो। आपको तुरंत इस चीज़ का चेकअप करवाना चाहिए और इसका तुरंत ट्रीटमेंट लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा ये देखा है कि जिन महिलाओं को पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द होती है उनको ज़्यादातर फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम होती है। जब पीरियड्स आते हैं, जब तक आपने कोई बच्चा पैदा नहीं किया है तब तक आपको पीरियड्स के फर्स्ट डे पेन होना बहुत ही नॉर्मल है, स्पेशली बिफोर मैरिज। पीरियड के फर्स्ट डे इतनी को पेन होती है कि आप उसे बर्दाश्त कर सकती हैं। लेकिन अगर आपको ऐसी पेन हो रही है कि आपकी बर्दाश्त से बाहर हो रही है, आप बिल्कुल भी उस पेन को झेल नहीं पा रही और आपको पेन किलर लेनी पड़ रही है, तो समझिए कि अलर्ट होने का टाइम आ गया है। आप किसी बड़ी प्रॉब्लम के साथ सर्वाइव कर रही हैं। बिल्कुल भी ऐसी कंडीशन में टाइम वेस्ट ना करें, अपने डॉक्टर के पास या गायनेकोलॉजिस्ट के पास जितनी जल्दी हो सके पहुंच जाएं। अगर आपको पीरियड्स के फर्स्ट डे पेन कंटिन्यूसली हो रहा है तो आप हल्के हाथों से किसी भी ऑयल के साथ पेट के निचले हिस्से पे धीरे धीरे मसाज कीजिए। अगर तो ये नॉर्मल पेन है तो इस हल्की मसाज के साथ ये पेन चले जाएगी। लेकिन अगर आपको तेल से मसाज करने के बावजूद भी ये पेन कंटिन्यूसली परेशान कर रही है तो समझिए कि ये पेन जो है बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। दूसरा जो लक्षण है वो है हैवी ब्लीडिंग। हैवी ब्लीडिंग होने के बहुत से कारण होते हैं। PCOS, PCOD की अगर आपको प्रॉब्लम चल रही है तभी आपको हैवी ब्लीडिंग के लक्षण हो जाते हैं। और इसमें कोई छोटी मोटी रसौली है तब भी आपको हैवी ब्लीडिंग की समस्या हो सकती है। चीज में आपको ये भी क्लियर कर दूं, जिन महिलाओं को PCOS और PCOD की प्रॉब्लम होती है उनको हल्के हल्के स्पॉट्स या हल्की हल्की ब्लीडिंग कंटिन्यूसली होती ही रहती है। ये एक साइन होता है कि आप PCOD से ग्रस्त हैं। क्योंकि अगर PCOD की समस्या हो तो या तो आपको बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है जहाँ हल्का हल्का स्पॉट्स होते ही रहते हैं, और जहाँ बहुत ही कम ब्लीडिंग होती है, यानी कि पीरियड्स बिल्कुल भी सही तरीके से आपको नहीं होते हैं। ऐसी महिलाओं के पीरियड्स 25-25 दिन तक कंटिन्यूसली चलते ही रहते हैं और ऐसी कंडीशन में आपको अनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है, खून की कमी हो सकती है। तो इस चीज को बिल्कुल भी हल्के में ना लें, बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और तुरंत अपने डॉक्टर के साथ संपर्क करें। तो जो लक्षण है फ्रेंड्स वो है हल्का सा स्पॉट लगना, जब पीरियड्स आना ही ना, जब बहुत लेट आना, जब बिल्कुल हल्का सा माइनर सा दाग लगता है। और ये जो साइन है वो भी बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता है। जिनको पीरियड्स आते ही नहीं है, जब महीने बाद हल्का सा दाग लग के हट जाते हैं, यानी कि खुल के पीरियड्स नहीं होते हैं, उनकी मेन प्रॉब्लम होती है लो MH। जी हाँ, लो MH की प्रॉब्लम की वजह से भी महिलाओं में पीरियड्स बिल्कुल नहीं आने की प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे जैसे आप
आपकी उम्र बढ़ती जाती है, आपकी ओवरीज के अंदर जो आपके एग है रिलीज होने कम होते जाते हैं और उसकी वजह से आपका ब्लड फ्लो जो है वो भी कम होना शुरू हो जाता है। एक उम्र पे जाके आपको मेनोपॉज हो जाता है, यानी कि आपको पीरियड्स आना बंद हो जाता है। जो महिलाओं के पीरियड्स बिल्कुल भी सही नहीं होते उनका एक उम्र से पहले ही मेनोपॉज हो जाता है। अगर आपको हर महीने एक ही डेट पे पीरियड्स आते हैं तो आपके पीरियड्स बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन अगर एक दो दिन ऊपर नीचे भी हो जाते हैं तब भी आपके पीरियड्स नॉर्मल है। जी हाँ, कुछ महिलाएं मुझसे पूछती हैं कि मुझे एक बार 28 के 28 को पीरियड्स आता है, दूसरे महीने जो है 29 को आता है, या फिर कभी 28 को, कभी 30 को, कभी 29 को आ जाता है, तो ये इरेगुलर पीरियड्स हैं क्या? तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जी नहीं, एक दो दिन ऊपर नीचे होने को आप इरेगुलर पीरियड्स नहीं कह सकते हैं। एक दो दिन ऊपर नीचे होना बिल्कुल जो है नॉर्मल है, लेकिन अगर इससे ज्यादा 35-40 दिन के बाद पीरियड्स होते हैं तो उनको हम इरेगुलर पीरियड्स कहेंगे, अब नॉर्मल पीरियड्स कहेंगे। फैक्ट अगर 2-4 दिन ऊपर नीचे भी हो जाते हैं, 5 दिन भी ऊपर नीचे हो जाते हैं, तब भी ये नॉर्मल है, क्योंकि अगर आपको पीरियड हर महीने आ रहे हैं लेकिन ऊपर नीचे 2-4 दिन 5 दिन हो जा रहे हैं तो ये नॉर्मल है, ये रेगुलर पीरियड है, क्योंकि महिलाओं के शरीर के अंदर इतने ज्यादा हार्मोन्स होते हैं कि थोड़ा बहुत पीरियड्स के डेट का ऊपर नीचे हो जाना बिल्कुल ही नॉर्मल माना जाता है। लक्षण मैंने आज वीडियो में बताए हैं पीरियड सही ना आने के, अगर आपके अंदर भी ये लक्षण नजर आ रहे हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें और तुरंत अपने डॉक्टर को इसके बारे में बताएं और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं, इससे पहले कि ये चीज इतना ज्यादा बढ़ जाए कि इसका ट्रीटमेंट, इस पे कोई होम रेमेडी भी काम ना करे। तो अगर आप कोई होम रेमेडी ट्राई करना चाहते हैं तो मेरे चैनल के ऊपर काफी वीडियोस बनी हुई हैं जो आप देख सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली कुछ एडवाइस लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे आप मुझसे बात कर सकते हैं, पर्सनली कोई भी सजेशन मुझसे ले सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ऐसी और नई वीडियोस के लिए। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।